बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सब भैन भाइयों का की हाल चाल है, उम्मीद करते हैं तुसी खैरियत ना होवोगे। अज असी जो वीडियो बना रहे हैं, असी चिकन पुलाव बना रहे हैं। चिकन नू असी उपर यखनी बनाने लिए रखता है, ते तुसी वीडियो नू सबसक्राइब करो ते बैल का बटन जरूर दबाया करो, ताकि आने वाली तमाम नोटिफिकेशन तुहानू आसानी पहुँच सकन। ते वीडियो नू एंड तक जरूर देखिया करो। ए चिकन दे विच असी साबत प्याज डाल दिता है 3-4 पीसिस करके, ते 4-5 तुरियां असी लहसुन दियां डालियां, थोड़ा जिहा अदरक डालता है, ते ए असी थोड़े जे दाने, थोड़ा जिहा जीरा, काली मिर्च, ते लौंग, ते दालचीनी ऐसी पा के, ते असी 2-3 सीटी लगा के असी इहदी यखनी बनाने हैं। ते दूसरी साइड ते असी चावल पानी च भिगो के रख दें। ए चावल असी तकरीबन 15 मिनट हो गए भिओ के रख दिते हुए ने, तकरीबन भिज गए ने। तो दूसरी साइड पर असी प्याज नू हल्का जिहा ब्राउन होने लिए रखे है, तुहानू दिखाने हैं। एक प्याज लेके असी 3 गिलास चावल ले है, ते चिकन तुसी अपने हिसाब के मुताबिक ले लो। 1 किलो चिकन है, तो साड़ी यखनी भी रेडी है, अभी दिखाने हैं तुहानू। यखनी रेडी हो गई है सारी, हम इधर मसाला बना के तो फिर चिकन इधर डाल दें। प्याज ब्राउन हो गया सी, ये असी 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालता है, थोड़ा जो असी भुन के टमाटर, 1 टमाटर असी कट लिया छोटा, हरिया मिर्चा असी उधर 4-5 दियाँ सी अपनी, अच्छा ताली मर्जी है डालनी उसे डाल दो, इस असी सुरख मिर्ची डाल देंगे। थोड़ा जहा पानी डाल देंगे, थोड़ा जहा पानी डालो ताकि टमाटर ये गल जाए, तो नारी असी मसाला पाउडर डाल दें। स्पाइसी चावल ने 1 चम्मच असी सुरख मिर्ची का डालता है, पाउडर मिर्ची, ए नमक तुसी हसबे का एक अपना टेस्ट कर लेना, थोड़ी जी हल्दी, 1 चम्मच ही धनिया, थोड़ा जिहा जीरा असी इधर भी डालते हैं, असी उधर भी डाले असी साबत नहीं है डाल के, तो असं मिक्स कर लें। मसाले वाला पुलाव बहुत मज़ेदार बनता है। टमाटर गलन लग पे, हम ये नाल ही असं इधर चिकन डाल दें, भून दें ये यखनी दे विच ही। असी 4 मिर्चा ते लसन दियां 3-4 तुड़ियां साबत पातियां सी, अदरक दा छोटा पीस असी बरीक बरीक कट के पाता सी, नाल साबत खड़े मसाले डाल दिते सी, लौंग, दालचीनी, ए चीज़ां दा जरा टेस्ट आ जांदा यखनी दे विच। चिकन अच्छी तरह मसाला जरा रच जाएगा, यह होंगे तो फिर अस दिखा। देखो यखनी भी डाल दी है असी, यह हूँ साड़ा तकरीबन मसाला रेडी है। ये असी चावल डाल दें, 3 गिलास असी चावल ले, थोड़ा जहा पानी होर डाल लेंगे असी, क्योंकि यखनी सिर्फ डाली हुई है, मसाला
बहुत जल्दी बन जाते हैं तो बहुत आसान है बनाना। थोड़ा जहा होर असं पानी डाल दें। ये देखो असं हूँ होर थोड़ा जहा पानी डाल रहे हैं, सारा मिक्स करके अच्छी तरह इन हम जरा असं पकने लिए रख दें, तो फिर इन्हों दम दे के रेडी होंगे तो तुम दिखाएंगे। ये चावल तकरीबन साढ़े रेडी हो गए हैं, यदा पानी खुशक हो गया है। देखो इन्हों हम असी दमा ते रखते हैं, एक बार असी हल्का जहा हिला लिए क्योंकि ये थले अजे थोड़ा थोड़ा पानी है। दूसरी साइड पर असी तवा एक रख के तो उन्होंने दमा वास्ते गर्म कर लिया। देखो माशाल्लाह बहुत अच्छी लुक आ रही है। यह तवा पक गए तो इन असी दमा वास्ते रख दें। सिर उत्ते दम देने होना, इस तरह रख लो या कोई कपड़ा तुसी गिला करके तो वह भी रख सकते। तवे की आंच ऐसा कर दो तो 5 to 6 मिनट दमा ते रहेगा तो फिर इंशाल्लाह ताला चावल रेडी हो जाएंगे। असी सलाद बना लिया, प्याज ते पत्ता असी साफ धो के ते अच्छी तरह कट के, ते अगर खीरा है तो खीरा भी ले लो। ए चटनी जिहड़ी है इहदे विच धनिया पुदीना हरी मिर्च और दही विच ग्राइंडर करके ते थोड़ा जिहा असी गाजर असी कद्दूकश करके तो विच डालती है, साडा रायता रेडी है ते नाल दा सलाद रेडी है। असी चुल्हा बंद करता होया है ते 5 मिनट असी वैसे चावल रहन दित्ते दमा ते, हुण असी उठाने हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह साढ़े चावल पूरे खिल गए ने ते अच्छी तरह एक एक दाना माशाल्लाह अच्छी तरह पक गए। हुण असी बिस्मिल्लाह देखो बहुत अच्छा पुलाव बने, सारे चावलों में इसी तरह असी हिला लेने, बिल्कुल खुशक नहीं है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता नीचे सारे नीचे वाले चावल ऊपर लेके आओ। देखो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पुलाव बन गया, बहुत ही आसान ते परेशान होने की जरूरत नहीं है। नए बिगनर जिहड़े बच्चे ने इन्हों आसानी ना बना सकते ने। देखो एक एक दाना माशाल्लाह कलर भी बहुत अच्छा है। माशाल्लाह साडा पुलाव रेडी है, तुसी भी बनाओ तो खैर ना खाओ ते अपनी दुआवां तो जरूर सानू याद रखना। अल्लाह पाक तुहानू अपनी हिफाजत च रखे। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो च आवांगे ते साडे चैनल नू लाइक करना ते सबसक्राइब करना ते शेयर जरूर करना। इंशाल्लाह जल्द मिलांगे। अल्लाह हाफिज़।